दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, जबलपुर नैनपुर मंडला बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय लोगों को बहुत जल्द लोकल पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। बहुत जल्द कोविड के टाइम से बंद पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जाने वाला है। सभी पुरानी ट्रेनों का रिस्टोरेशन किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर नैनपुर पैसेंजर, जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर और एकमात्र एक्सप्रेस जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इन तीनों ट्रेनों का रिस्टोरेशन कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक ये ट्रेन दोबारा शुरू हो सकती हैं, आखिर क्या है पूरी खबर, ये सब कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ बताएंगे, लाइव प्रूफ वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ट्रेनों के रिस्टोरेशन को जानने के लिए पहले से समझिए। वीडियो में आप लोग लेटर देख पा रहे होंगे, थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, ये लेटर 12 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आया हुआ है। इस लेटर के माध्यम से सभी रेल जोनों को ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी मेल एक्सप्रेस स्पेशल और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों को कोविड-19 को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब उन ट्रेनों का फिर से सामान्य परिचालन बहाल करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब मेल व एक्सप्रेस स्पेशल और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब पहले की तरह सामान्य ट्रेनों जैसी होगी। ये सभी ट्रेनें फिर से रेगुलर नंबर के साथ दौड़ेंगी। इसके साथ ही स्पेशल ट्रेनों के चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना पड़ेगा, फिर से पुराना सामान्य किराया लागू होगा। खैर, इस आदेश के बाद सभी रेल जोनों ने अपनी ट्रेनों की लिस्ट निकाली है, जिसमें तीन कैटेगरी में ट्रेनों को डिवाइड किया हुआ है, MSPC, HSP और PSPC, यानी कि मेल एक्सप्रेस स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल और पैसेंजर स्पेशल। और कुछ रेल जोनों ने MSPC और HSP के साथ साथ PSPC यानी कि पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की भी लिस्ट निकाली है, जिसमें कुछ ऐसी ट्रेनें भी शामिल हैं जिनका भी रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। इसी तरह पश्चिम मध्य रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों की लिस्ट निकाली है, जिसके रिस्टोरेशन सेक्शन में नैनपुर जबलपुर पैसेंजर, नैनपुर जबलपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर और जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनें शामिल हैं। ये सभी जानते हैं ये तीनों ट्रेनें पश्चिम मध्य रेलवे की हैं और पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा ही इन ट्रेनों का संचालन किया जाता था। इन ट्रेनों का रिस्टोरेशन हो रहा है, इस बात का आप लोगों को प्रूफ भी दिखाते हैं। देखिए वीडियो में आप लोग लेटर देख सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी ट्रेनों की लिस्ट 13 नवंबर को रिलीज की है। इसमें 154 ट्रेनें शामिल है तीन कैटेगरी में, MSPC, HSP और PSPC, जहां जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। उसके बाद आप लोगों को MSPC सेक्शन भी दिखाएंगे, जहां जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। वीडियो में आप देख सकते हैं PSPC रिस्टोरेशन कैटेगरी में दोनों ट्रेनें 127 से 134 तक के नंबर में जबलपुर नैनपुर और जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर ट्रेनों के नाम है, अप डाउन दोनों ही ट्रेनें दी हुई हैं। उसके बाद MSPC कैटेगरी में 147 से 148 नंबर में जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का नाम दिया हुआ है, जो कि हफ्ते में 3 दिन चला करती थी, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। दोस्तों, मैंने आप लोगों को तीनों ट्रेन दिखा दी विद प्रूफ कि सच में इन ट्रेनों का रिस्टोरेशन हो रहा है, लेकिन अब आप लोगों को बताते हैं आखिर रेलवे कब तक इन ट्रेनों को वापस से पटरी में ला सकेगा। देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का कहना है 15 नवंबर से इस लेटर में शामिल 154 ट्रेनों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, कैटेगरी वाइज चेंजेस शुरू हो जाएंगे। जैसे MSPC, HSP और PSPC कैटेगरी में आने वाले सभी गाड़ियों के पुराने रेगुलर नंबर वापस से अपडेट कर दिए जाएंगे, और MSPC और PSPC कैटेगरी में आने वाली कुछ ट्रेन जिनका रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, उनका रिस्टोरेशन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा 15 नवंबर से, यानी कि आज से ही चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही आप लोगों को बता दूं, जो रिस्टोरेशन में ट्रेनों के नाम दिए हुए हैं, उन ट्रेनों का प्रपोजल बनाकर पश्चिम मध्य रेलवे रेलवे बोर्ड को भेजेगा, बोर्ड से अनुमति मिलते ही ट्रेनों को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को बता दूं, जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर ट्रेन का रिस्टोरेशन होगा तो ये पैसेंजर ट्रेन नहीं रहेगी, मतलब पहले ये ट्रेन 9 ICF रेक्स के साथ चला करती थी, लेकिन जब इसे कोविड के टाइम में बंद कर दिया गया तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और उसकी जगह मेमू रेक अलॉट कर दिया गया था। इसलिए जब भी जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी मंडला ट्रेन चालू होगी तो यहाँ मेमू ट्रेन ही चलेगी, और जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग में भी मेमू ट्रेन ही अलॉटेड है। अब ये ट्रेन जब भी चलेंगी तो मेमू रेक्स के साथ ही चलेंगी, और जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस उत्कृष्ट रेक्स के साथ ही चला करती थी और शायद रिस्टोरेशन के बाद भी उत्कृष्ट रेक लेकर ही चलेगी। अब देखते हैं कब इन ट्रेनों का दोबारा से परिचालन शुरू होगा। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें, जैसे सभी को यह जानकारी मिल सके। और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।